यरवदा जेल जिसकी दीवारें अंधेरे को कैद कर लेती हैं और टूट जाता है बाहरी दुनिया से नाता। इस अंधेरी दुनिया में करीब 4000 कैदी सलाखों के पीछे रहते हैं। आजादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी को भी यरवदा जेल में रहना पड़ा। यहां पर भी उनका संघर्ष जारी रहा। फर्क बस इतना था कि यहां संघर्ष कैदियों के दिमाग को गुमराह सोच से आजादी दिलाने का था। यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। असीम सरोदे की गांधी विचार परीक्षा के रूप में एरवाड़ा सेंट्रल प्रिजन में ये परीक्षा 4 साल से हम ले रहे हैं और सबसे पहले यानी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत में सबसे पहले गांधी विचार परीक्षा कैदी दे रहे हैं, ये बात सबसे पहले यहाँ शुरू हुई। और यहाँ से फिर जो न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ आई तो अहमदाबाद में ये परीक्षा शुरू हुई, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, अलग अलग जगह ये परीक्षा शुरू हुई, मुंबई और ठाणे में भी परीक्षा अभी होती है। गांधी विचार परीक्षा यानी गांधी के विचारों से कैदियों को रूबरू कराना, उनकी सोच को गांधी के विचारों से जोड़ना। ये परीक्षा कोई बंदिश नहीं है। जो कैदी खुद गांधी के विचारों से जुड़ना चाहते हैं वही परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को असीम यरवदा जेल में करवाते हैं। मुझे लगा कि ये कैदियों की एक जरूरत है। आज उनको समय मिला, आज उनको उम्र कैद हुई है, आज उनको कुछ सजा हुई है, आज जेल में आए, तो ये लोगों के पास जो समय है उसमें अगर कुछ नए अच्छे विचार भर दिए जाएं तो वो विचारों के आधार पर वो आगे कुछ सोच सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसे मुझे लगा और इसलिए मैंने जेल में ये परीक्षा शुरू की। ये एग्ज़ाम गांधी विचारधारा का जो हमारे जेल में प्रवाह शुरू हुआ है इसके लिए तो असीम सरोदे जी ये खुद एक एडवोकेट है और उनकी पूरी फैमिली गांधी विचारधारा पे काम करती है और उन्होंने हमारे जेल में ये जो गांधी विचारधारा का एग्ज़ाम लाया है जिसके जरिए कैदियों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो ये बहुत बड़ा उनका साथ है हमारे लिए, बहुत अच्छा रोल है उनका और उस रोल के माध्यम से ये कैदियों के विचार बदलने में बहुत फायदा हो रहा है। कैदियों की सोच बदलने के साथ असीम उन्हें अदालत से न्याय दिलवाने में भी मदद करते हैं। इसके लिए उन्होंने वकालत को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। असीम ने 1995 में सहयोग नाम की ट्रस्ट बनाई और सामाजिक जन वकालत को रास्ता बनाया। सामाजिक जन वकालत यानी गरिमामय कानूनी तरीके से उन लोगों को हक दिलाना जो कानूनी पहलुओं से अनजान हैं और पैसे के अभाव में कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। मैंने सोचा कि सामाजिक जन वकालत ये एक हो सकती है जिससे कि मैं अलग अलग सोशियो लीगल इश्यूज पे काम करूंगा वकील करके और माध्यमों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा मैं ये अलग अलग इश्यूज पब्लिक एजेंडा पे लाऊंगा। गांव में जन्मे असीम ने इसकी शुरुआत गांव से ही की और इसके लिए रास्ता भी अलग अपनाया कि मैंने सोचा कि जिनको जरूरत है उनके पास हम ही कुछ जाएंगे। तो हमने क्या किया था कि पोस्टर्स कुछ बनाए थे, उसका एक बैग बनाया था और वो बैग में सब पोस्टर्स डाल के हम सोचते थे कि जहाँ पे राज्य परिवहन मंडल की बस जाएंगी वहाँ पे हम बस से जाएंगे और वहाँ पे लोगों में प्रबोधन करेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी के सभी जगह बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो देहातों में उन्होंने सब अपने कार्यकर्ताओं को, उनके पहचान के लोगों को लेटर पोस्टकार्ड लिख दिए थे कि हमारा लड़का आएगा और उसको आप हेल्प कीजिए। गाँव में सुधार के काम करने के बाद असीम शहर के गरीबों के लिए कुछ करने पुणे आ गए। उन्होंने यरवदा जेल के लिए काम किया और उसके बाद ऐसे लोगों के लिए जिनसे कुदरत ने आंखों की रोशनी छीन ली। लड़का ना, दो लड़की है, लड़कियों का शादी हो गया, मैं अकेली हूँ घर में, मैं खुद कमा के खाती हूँ। इस तरह अब ये लोग दुकान से खुद सामान लेकर आते हैं, खुद उसे बेचते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। असीम इनकी आंखों की रोशनी बना। इसके साथ ही असीम लोगों को समाज के कुछ अनछुए पहलू दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये जगह जगह जाकर भाषण देते हैं। आज भी उन्हें अनाथ बच्चों को संभालना और उन्हें न्याय दिलाना विषय पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया है।
याला सामाजिक कायदे विषयक दृष्टिकोन असं म्हणतात। यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और युवक हर उम्र के लोग आए हैं। असीम की बातें लोगों के दिलो दिमाग में बस जाती है। विषय के प्रति लोगों की गंभीरता ये बता रही है कि वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। ये लोग भी असीम के जरिए समस्याओं के समाधान को जानने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। उनके ख्याल तो बहुत है, ये आपने को कुछ मालूम थे कुछ नहीं, अभी उन्हें बोले कि ये करना चाहिए कि बच्चों के लिए क्या है, लैंगिक समस्या के वास्ते बोले। इन लोगों की समझ में तो असीम की बातें आ ही गई हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी असीम को समझाना है, बहुतों को अभी उनकी मंजिल पर पहुंचाना है। मेरी एक दोस्त है जो सेक्स वर्कर के साथ काम करती है, और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं काम करती हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे भी एक बार आके देखना है। तो जब उनके साथ गया और काफ़ी फिर अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ के मैंने देखने की कोशिश की, तो फिर मुझे लगा कि मेरे काम की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। पुणे के इस एरिया को बुधवार पीठ कहा जाता है। ये यहाँ रेड लाइट एरिया है। यहाँ जितनी सेक्स वर्कर होती हैं उनसे भी कहीं ज्यादा इनकी समस्याएं। इन समस्याओं से जूझता जीवन किसी नर्क से कम नहीं। इन लोगों की समस्या जो है, इनको कानून व्यवस्था जो यहाँ चाहिए, तो हमने ये चीज देखी कि इसमें जो लोग इन लोगों को लाके बेच के जाते तो वो लोग पैसा कमाते, उसके बाद यहाँ से घरवाली पैसा कमाती। घरवाली जब पैसा कमाने के बाद में जब पुलिस रेट डालती है, तो वहाँ से रेट डालने के बाद में पुलिस पैसा कमाती है, और जब उनको कोर्ट में लेके जाया जाता है, जब कोर्ट फैन मारता है तो कोर्ट कमाता पैसा, तो सरकार भी कमा रही, पुलिस भी कमा रही, और जो भड़वे बोल ले जाते हैं वो कमा रहे हैं, घरवाली कमा रही। लेकिन जब उनका बुढ़ापा होता है, तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जो रोड पे फेंक दी जाती है। यहाँ पे जो औरतें बैठी है सब पीयर एजुकेटर हैं। असीम सेक्स वर्करों से उनके लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। अब हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग हैं रेगुलर पार्टनर्स? तो रेगुलर पार्टनर जिनके हैं उनको मुझे एक नई बात बतानी है कि अभी तक हम क्या करते थे कि आप हस्बैंड वाइफ जैसे रह रहे हैं अपने रेगुलर पार्टनर के साथ, तो उसको कुछ समाज में मान्यता नहीं है, उसमें कुछ महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन ये कानून में पहली बार ये कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जो है उसको उन्होंने कानून के दायरे में उसको लाया है, और उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताता है। उसको बोले मुझे ग्रीटिंग कार्ड दो, अच्छा वह उसके अक्षर में कुछ लिखेंगे, अपना नाम वगैरह वो लिख के रखिए, उसके साथ फोटो निकाल के रखिए। तो अभी उसको अगर वो भाग जाएगा तो आपके अधिकार कुछ मांग सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में अभी कानून ने पहली बार कुछ प्रावधान किया है और आपको न्याय मिल सकता है। इन लोगों को इस नर्क से निजात दिलाने के लिए असीम ने कानून को अपना हथियार बनाया। इसकी मदद से उन्होंने अब तक कई सेक्स वर्करों को न्याय दिलाया है। आदिम सरोदेजी को हमने अब के बाद में भी दो तीन केसेस दिए थे, जिसमें एक केस उन्होंने अभी डॉन के अंदर लड़ाए। ऐसे उन लोगों ने एक महिला को अधिकार दिलाया, तो हमको इतनी बड़ी खुशी हुई कि ऐसे वकील और भी होने चाहिए, और ऐसी महिलाओं को डायरेक्टली स्टेट जो जज का फैसला हुआ या इनके लीगल कानून से फैसला मिला उसको, उससे पहले जो काफ़ी राहत मिलेगी, हमको बहुत बड़ी खुशी मिली है। कुछ लोग जो है जो बहुत अमीर है, जिनके पास पैसा है या जिनके पास बहुत अच्छी नौकरी है, जैसे पुणे में भी। असीम सेक्स वर्करों की तरह परेशानी की जिंदगी जी रहे समलैंगिक यानी MSM मैन सेक्स मैन भी इनसे मदद लेने आते हैं। असीम इनकी मदद करने में पीछे नहीं, क्योंकि वो इस समस्या की वजह किसी अत्याचार को मानते हैं। हम खजुराहो की अगर मूर्तियां देखेंगे तो उनमें भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे चित्रित किया गया है कि किसी पुरुष के साथ संबंध, और ये बहुत पुरानी बात है, इतिहास है। शायद मनुष्य जाति के निर्माण से ही इस तरह की बातें, ऐसी सेक्सुअलिटी मौजूद है। दूसरे लोग आम लोग करते हैं, हम भी वही करते हैं। समलैंगिक भी अपनी इस परेशानी पर कुछ सवाल उठाते हैं। तो फिर ऐसी सोच की बतानी की कब तक रहेगी? जब वोटिंग का आता है तो सब लोग आ जाते हैं, जब कोई नहीं देखते कि कोई किन्नर है या कोई MSM है या कोई गे है, कोई बायोसेक्सुअल है, तो कभी कोई नहीं देखता है। जब ऐसा कुछ होता है तो ऐसे जो गट है समाज के उसको नीचा दिखाते हैं। असीम हर तरह से इनकी समस्याओं को पूरी तरह से हल करने की कोशिश करते हैं। समाज में रहने वाले कुछ जिंदा इंसानों को
अगर हम उनकी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार नहीं देते तो ये बहुत गलत है। इसलिए सरकार से ये मांग है और वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी सभी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर फाइल किया है कि धारा 377 जिसके तहत इनका सभी बिहेवियर गुना होता है वो रद्द किया जाना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए और इनके संरक्षण की कुछ योजना होनी चाहिए। मानव करके इनके मानवीय अधिकारों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सभी सरकारी यंत्रणाओं ने लेनी चाहिए। असीम इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां असीम ने तजुर्बेकार वकीलों की एक टीम तैयार की है, वहीं दूसरी तरफ वो देश के अलग अलग हिस्सों से आई नई पीढ़ी के वकीलों की भी एक टीम तैयार कर रहे हैं। असीम इन लोगों को अपने पेशे के असल मायने समझाकर एक नई राह दिखाते हैं, जिससे असीम का मिशन भविष्य में जारी रहे और अलग अलग जगह पहुंचे। मुझे लगता है कि मैं अकेला सब जगह नहीं जा सकता हूं और समस्याएं तो ख़त्म नहीं होने वाली है, तो मेरे जैसे सोचने वाले या मेरे जैसा काम करने वाले और अगर कुछ लोग हो वो जो अलग अलग जगह स्प्रेड होके काम करेंगे तो शायद बहुत सारे सोशो लीगल समस्याएं जो हैं लोगों की उनका हल निकाला जा सकता है। होमोसेक्सुअल लोगों से मिले तो वो लोग भी काफ़ी एजुकेटेड थे पर उन लोगों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। ये बच्चे असलियत से रूबरू हुए, इससे इनकी सोच भी अब क्लियर हो गई है। आई पर्सनली थिंक कि वो है तो हम जैसी लड़कियां सेव्ड हैं। जो लोग अपना अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने वहां जाते हैं, उन्हें पे करते हैं, वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचाते। एक खुशहाल समाज बनाने के लिए असीम की हर दम यही कोशिश है कि सभी को समाज में बराबरी का अधिकार मिले और इंसाफ के लिए दर दर भटकते लोगों को न्याय मिले। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा।